हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन में आप लोग डबल टैप स्क्रीन ऑन कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास एक इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन है और इस फ़ोन में अगर आपको डबल टैप स्क्रीन ऑन करना है गाइस, आप लोग चाहते हो कि आपके फ़ोन में जब भी आप लोग डबल टैप करो आपके ऑफ स्क्रीन में, तो आपका जो स्क्रीन है गाइस वो ऑन हो जाएगा। तो अगर आप भी जो है बोर हो चुके अपने पावर बटन पे क्लिक करके अपने फ़ोन को ऑन करके, तो आप लोग इस फीचर को एक बार यूज़ करके देख सकते हो। तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में डबल टैप स्क्रीन ऑन कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डबल टैप स्क्रीन ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस स्पेशियल फंक्शन का। तो इस स्पेशियल फंक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्शन एंड गेस्चर का। तो इस एक्शन एंड गेस्चर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देख सकते हैं जो पहला वाला ऑप्शन है गाइस स्टेपिंग वेक का। तो इस स्टेपिंग वेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है ट्यूटोरियल दिखाया जा रहा है। कुछ इस तरीके से आप लोग ऑफ स्क्रीन में डबल टैप करोगे तो आपका स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगा। तो इसको करने के लिए यहाँ पर जो है टैपिंग वेक का ऑप्शन है गाइस, इसको आपको ऑन करना होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा और ऑन होने के बाद अभी आप लोग जो इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। आप लोग जाके एक बार चेक कर सकते हो गाइस डबल टैप स्क्रीन ऑन करके। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन में आप लोग डबल टैप स्क्रीन ऑन कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।